अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज एक और खूबसूरत दिन के साथ अपना व्लॉग शुरू करते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह ये सारे एक साथ मैंने कर दिए हैं। तो इसके साथ जो फीमेल्स थी दो, एक वाइट वाली एक चीनी, वो अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों कुड़क हो गई हैं। वाइट वाली तो मैंने बैठा दी है, उसकी छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो मैंने परसों रात को बिठाई थी, ठीक है, अंधेरा था इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका आपके साथ। मैं उसका थोड़ा सा शेयर कर दूंगा, छोटा सा पार्ट के मैंने उसको कैसे बैठाया। और चीनी भी कल रात को कड़क हो गई थी। वो चीनी असल में इधर अंडे देती थी ना, इधर जो टोकरी पड़ी हुई थी, और वो बाहर नहीं बैठ रही थी, बाहर वाले खाने में। तो कल मैंने ज़बरदस्ती उसको ज़रा अंधेरे में उसको उधर टोकरी रखी है। अभी उसको ऐसे लगे अभी मेरी टोकरी है। उसके नीचे पहले मैंने बिछाई है मिट्टी, ऊपर डाला हल्का सा भूसा, ताकि ये इसको अपने ही लगे भी मैं इधर ही बैठी हूँ। फिर वो बड़ी मुश्किल से उधर बैठ किया, उसके नीचे मैंने एक रखा हुआ है वलैती अंडा, क्योंकि अगर इनका मैं रखता है तो वो तो दिन आगे पीछे हो जाते हैं, वो फर्टाइलिटी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने उसके नीचे वलैती अंडा एक रख दिया, ताकि वो अपना कुड़क पक्का कर जाए। तो माशाल्लाह वो अब मैंने सुबह आके देखा तो बड़े अच्छे तरीके से ऊपर बैठी हुई थी, कुड़क अपना पक्का कर गई है वो अपना कुड़क। अब उसके पास हाथ करो ना तो ऐसे पर फुला लेती है और ऐसे आगे से काटती है, तो उसकी यही निशानी होती है कि वो अपना पक्का कुड़क कर गई है, ठीक है। नीचे अंडे जो मैंने रखे हुए थे फ्रिज में, वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं। अब वो इंशाल्लाह शाम के टाइम जब ये थोड़ी डूब जाएगी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू होगा, तब उसके नीचे इंशाल्लाह रख देंगे। मैं आपको वैसे थोड़ी सी वैसे दिखा देता हूँ कि वाइट वाली ये हमने इस खाने में बिठाई है, और पानी इनके आगे लाजमी पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी है ना। ये देखें, इसके नीचे मैंने अंडे रख दिए हैं और ये ऊपर बैठ गई है, तो अंडों को ये आगे पीछे करती रहती है। वो एक सामने निकला हुआ है, लेकिन ये फिर उसको नीचे कर लेगी। इधर ये ऊपर ये वाली लगी हुई है ना शीट, तो ये धूप नहीं आने देती, और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम है। वैसे मुंह तो खोलती है, जाहिर सी बात है गर्मी है, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी कम है। और ये इधर चीनी बैठी हुई है, इसके आगे भी ये देखें मैंने पानी रख दिया है, तो माशाल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से बैठी हुई है। ये हीर रंग इधर मुझे तंग कर रहे हैं, अंदर ही चलते हैं हम, चलो भागो। और ये जो मैं अपने कज़न के घर से दो फीमेल लेकर आया था, एक ये वाइट वाली और एक ये देसी सी, ये भी अब इस मुर्गे के साथ मैंने छोड़ दिए, क्योंकि इसके साथ एक का फीमेल रह गई है। ये वाली ये भी इंशाल्लाह अंडे दे रही है, तो जब ये अपने अंडे कंप्लीट करेगी ये भी कुड़क हो जाएगी, और जब वो कुड़क होगी पीछे ये वाली दोनों मादियाँ तैयार होंगी अंडों के लिए। ये अब ये भी इनके साथ सेट हो गई हैं। ये शुक्र है इसके साथ लड़ाई इन्होंने की, थोड़ा सा ऐसे किया है, लेकिन फिर सेट हो गए हैं। और माशाल्लाह ये हमारे सारे पहली ब्रीड वाले बच्चे बैठे हुए हैं, सुकून कर रहे हैं। पानी मैंने इनको ताज़ा डाल दिया। गर्मी आजकल बहुत सख्त है, आपको पता है बदरे का जो मौसम होता है उसकी धूप तेज़ होती है। तो इंशाल्लाह अब कुछ दिनों में हल्की हल्की रात ठंडी होने लग पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएंगे। और छोटा छनछा हमारा ये भी सेट हो रहा है आज, इसने माशाल्लाह अजाने भी दी हैं। ये असल में इसके डर में था ना, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसका डर निकल रहा है, और ये गंदे भी हुए हैं, इसको मिट्टी रेत इधर देते हैं, तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। ये देखे दोस्तों, हम जा रहे थे कलर कार, तो रास्ते में ये कुछ मुर्गे नज़र आए हैं, ये देखे जोड़े जोड़े बंद किए हुए हैं। मुश्को ये लौखा, ये आग जोड़ा अंदर भी हैं, ये देखो। ये चेक करें दोस्तों, कलर कार की खूबसूरतियाँ, पहाड़ियाँ। अगर आप कलर कार के इर्द गिर्द रहते हैं तब तो आपने देखा होगा, जो कलर कार के इर्द गिर्द नहीं रहते उनको बड़ी हसरत होती है कलर कार आने की। यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की चश्मे, अरे आगे खुली जगह आती है ना, आपको दिखाती है मजे मजे की। ये सड़के, ये इधर की पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत होती है, और ये सारा नीचे से फिजाई मंजर आपको अभी नजर आएगा जब आगे हम पहाड़ी के टॉप पे चढ़ेंगे ना। हम देखने जा रहे हैं मुर्गियाँ म्याड़ी को छाल कलर कार से आगे। मोटा
चौंती जड़ा ना जो मोबाइल उत्तर होंगे स्टैप और जो होंगे वो चौंती तकरीबन साढ़े को बनाया है। ये चेक करें दोस्तों, मोर बैठे हुए हैं। हम आए हैं कलर कार, मुर्गी देखने आए थे। मुर्गी तो देख के बुखार चढ़ गया। ये माशाल्लाह चेक करें, मोर नज़र आ गए। ये चेक करें मोर, दो मोर बैठे हुए हैं वाइल्ड में। ये कलर कार की खूबसूरती है, चकवाल की कलर कार की, कि इधर खुल रही है, देखें आबादी है, और इधर ये जंगलों में मोर फिरते हैं आबादी में। इनको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये माशाल्लाह चेक करें, दो मोर बड़े खूबसूरत। इधर और भी होते हैं बहुत सारे नीचे जंगलात में, अभी आपको और भी सैर कराते हैं इधर उधर झील पे जाके। दो मोर तो ये इधर आए मैंने, ये सामने दरबार है कलर कार वाला, और ये मोर है। ये चेक करें, इधर कबूतर भी बहुत सारे हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरत चीज है। ये बड़ा प्यारा है इंडियन कबूतर, ये लाल। ये देख, ये लक्का भी बैठा हुआ है। ये दरबार के ऊपर छोटा सा ये इन्होंने खोडा बनाया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने रखे हुए हैं। ये देख, इधर भी है बहुत सारे भरे हुए। ये दाना भी डाला हुआ है इनके लिए। इधर ये अंडे बच्चे भी देते रहती हैं। देखें जी कलर कार के छोटे से चिड़िया घर में, तीतर, ईरानी तीतर है। तीन नीचे बटेर भी है, इस तरफ भी बटेर है। ये ऊपर तीतर, अब ये देखें ईरानी तीतर, ईरानी तीतरों के पट्टे। ये नीचे बटेरे हैं, वो भी बटेरे हैं। ये क्या है, इधर लबड़ है। ये देखें ब्लू और लुटीनो लबड़, नीचे कुछ नहीं है। ये सारे ऑस्ट्रेलियन, इधर क्या है कॉकटेल, ये सारे कॉकटेल। हाँ ये वाइल्ड है ना, और इसमें वो जोड़ा लगा हुआ है, और उन्हें अंडे भी दिए हुए होंगे, और उन्हें भी अंडे दिए हुए होंगे। ये सारे ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा हैं। ये अब जिधर भी हों ब्रीड कर कर के, ये सारे ऑस्ट्रेलियन हैं। ये छोटा सा कलर कार का चिड़िया घर, ये सारा प्लेइंग एरिया बच्चों के सैर तफरी के लिए। आज तो खाली है क्योंकि ट्यूसडे है, और है भी दिन का टाइम, शाम के टाइम इधर कुछ ना कुछ रौनकें होती हैं। ये देखें मुर्गियाँ, और ये कोई झील वाली मखलूक भी आई है। ये अब मुर्गी के बच्चे चेक करें, मुर्गी और उसके बच्चे सारे देसी। वो देखें वो झीली मखलूक भी ऊपर आई हुई है, या देखें बेंच पे। अब ये उड़ के जाएगा, ये देखें मुर्गा भी, मुर्गा भी नहीं है। ये सारी झील, ये चेक करें झील के मनाजर। वो बतखे भी हैं, वो बतखे हैं। ये देखें बतखों ने घोंसला बनाया हुआ है इधर, सारी झील।